हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडिव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जानने वाले थे और साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर सीरीज में आपके पास ये पांचवा लेक्चर है जिसके बारे में जानने वाले हैं एडवांटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों, आपने इससे पहले मेरी तीन वीडियो जो इस लेक्चर से रिलेटेड है एंड पहली वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है आपने नहीं देखी, तो प्लीज जाइए उन वीडियो को वॉच कीजिए। इसके बाद ये पांचवी वीडियो एडवांटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम को जानिए। अब भाई इसके जानते हैं एडवांटेज, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के एडवांटेज क्या हो सकते हैं बताइए। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए भाई। जब इन्फॉर्मेशन हमें किसी की अच्छी पता चलेगी भाई, मतलब मान लीजिए मेरे एक बिजनेस है। अब बिजनेस है, मुझे पहले पास्ट या लोग क्या ह्यूमन के बारे में अच्छे से मुझे नॉलेज है जो लोगों को चाहिए। यदि लोगों के बारे में अच्छे से लोग नॉलेज होगी तो क्या होगा, रिवेन्यू बढ़ेगा मेरा। पहला रिवेन्यू बढ़ेगा, दूसरा हम लोग कॉस्ट को हमारी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि लोगों को अच्छे से करेंगे, अच्छी नॉलेज है तो कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे। ये मान लीजिए मैंने एक फोन कर ही नहीं लिया तो मैं कम से कम, मुझे अच्छा उस फोन के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है तो मुझे कोई खराब भी फोन दे सकता है, खराब भी फोन दे सकता है ना। और ये अपने फोन के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप अच्छा से बेस्ट फोन खरीद चला सकते हो कम से कम कॉस्ट में। प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई। अब इजी टू हैंडल, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा आपको वो नहीं करना है। इजी टू हैंडल यू डाटा, आप बहुत सारे फोन में अपने फोन को बहुत आसानी से जो फोन आपको चाहिए कम मतलब आपके पैरिस में, मतलब मुझे 8,000 का फोन खरीदना, समझिएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको चारों वो एडवांटेज समझ जाता हूँ, समझिए। 8,000 का आपको फोन खरीदना है, आपको 8,000 के फोन के बारे में, अब उसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी आपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा आपने उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से निकाल ली। मुझे 8,000 में फोन ये खरीद सकता हूँ, मतलब मुझे अच्छी चीजें मिल जाए, जो जो चीज चाहिए। तो आपको क्या, पहले आपने उसके प्रोसेसर, आपका कैमरा, बैटरी बैकअप, ये सारी चीज को पता करा, तो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। आपने 8,000 में रिवेन्यू क्या बात है, आपने 8,000 में ये सारी चीज का रिसर्च कर ली। आप गए दुकानदार के पास, उसने 8,000 को आपको पता ये फोन अच्छे मिलने वाला, आप गए 8,000 में वही फोन अच्छे से ले लिया, आपने कुछ रिसर्च नहीं की, सीधे दुकानदार के पास, उसने 8,000 में चार पता रद्दी से रद्दी आपको फोन पकड़ा दिया। तो भाई इतने सारे फोनों में आपने आसानी से क्या, बहुत सारे फोनों में आसानी से अपना मेन फोन भी पा लिया और कम से कम टाइम में, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा और हैंडल आपने आसानी से ह्यूज डाटा में अपने फोन को ढूंढ लिया। अब डिसएडवांटेज क्या भाई, कई बार ये होता है आपका मेन पावर की इसमें रिक्वायर्ड होती है। पहली चीज तो ये आपका मेन पावर ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कोई काम का ही नहीं है। दूसरा, इसको हैक भी किया जाता है, फ्रॉड भी कर सकते हैं, मतलब भाई कोई भी कर सकता है, नॉर्मल सी बात है। अब तीसरा, इसके आपका यदि कोई फोल्डर है वो आपका इन्फॉर्मेशन, एक मान लीजिए एक फोल्डर बनाया आपने इन्फॉर्मेशन पे, वो फोल्डर ये डिलीट हो जाए तो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम पूरा इफेक्ट हो सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो इतनी, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी आता हूँ, आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर। जय हिंद, जय भारत।